फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ पानी पूरी का पानी और मसाला। नाम सुनने से ही आपको मुंह में पानी आ जाएगा, तो आइए मेरा वीडियो लास्ट तक देखिए। पानी पूरी के लिए मैंने इमली लिया है, ये 150 ग्राम, तो इसमें मैंने गुनगुना पानी डाल देंगे। ये गुनगुना पानी मैं डाल दिया थोड़ा, और इसको आधा घंटा तक ऐसा भिगा के रख देंगे और फिर इसको स्टेन कर देंगे। पानी पूरी मसाला के लिए इमली बहुत ज़रूरी है। देखिए आधा घंटा हो चुका है, मैं इमली को भिगा के रखा था गुनगुना पानी में। अब मैं एक छन्नी में, देखिए छन्नी लिया और इसमें स्टेन कर देंगे, और जितना पानी होगी इमली का ये मैं पानी पूरी में यूज़ कर लेंगे। ये देखिए पानी पूरी मसाला के लिए, ये देखिए मैंने लिया है कोरिएंडर हाफ बंच, धो के अच्छी तरह से वॉश कर लिया, आज जार में डाल देंगे। मैं पुदीना लिया है, देखिए कितना सा, उसकी हाफ, ये भी अच्छी तरह से वॉश करके मैं यहाँ पे डाल देंगे। और ग्रीन चिली इसमें डाल देंगे, मैं थोड़ा सा ग्रीन चिली, देखिए कितना सा लिया। अदरक थोड़ा डाल देंगे, और ये लहसुन है 5-6, ये इसमें डाल देंगे, और इसमें थोड़ा पानी मिलाएंगे और पेस्ट कर देंगे। देखिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी मिला रहा हूँ, और अब मैं ढक्कन लगा के इसको अच्छी तरह से पेस्ट कर लेंगे। चलिए अब पानी का रेडी कर लेते हैं हम। ये इमली का जो रखा था पानी, ये इसमें डाल देंगे, और जार में देखिए पेस्ट किया था मिंट कोरिएंडर, ये इसमें पूरा डाल देंगे। लेकिन मैं इसमें स्ट्रेन नहीं करेंगे, अच्छी तरह से फाइन पेस्ट कर लिया मैं, ये देखिए। तो इसमें को स्ट्रेन करने का आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और अब मैं इसमें डाल देंगे पानी, पानी 1 लीटर जैसा ठंडा पानी मैंने यहाँ डाल दिया। आप चाहे नॉर्मल पानी भी डाल सकते हैं, उसमें आइस क्यूब डाल के रख सकते हैं, नहीं तो फ्रिज में रख सकते हैं। मैं मसाला डालेंगे, व्हाइट नमक 1/2 टीस्पून, ब्लैक सॉल्ट 1 टीस्पून, रोस्टेड जीरा 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, और डाल देंगे पानी पूरी मसाला 1 टीस्पून। इसमें मैं यूज़ करेंगे थोड़ा हींग, 1/2 टीस्पून जैसा हींग, और मैं इनको मिला लेंगे अच्छी तरह से। देखिए अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लेंगे, और टेस्ट करके देखेंगे नमक बराबर है क्या। हाँ नमक बराबर है। इसमें थोड़ा सा मैं डालेंगे 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। देखिए ये बन गया हमारा पानी पूरी का पानी, बहुत ही बढ़िया से बना है। और अब हम बनाएंगे मसाला। पानी पूरी का मसाला के लिए मैंने 3 आलू लिया है बॉयल आलू, और ये चना भी लिया है बॉयल, देखिए कितना सा लिया। और मैं इसमें ढाल देंगे, इसमें ढाल देंगे ऑनियन चॉप, ये देखिए 2 टीस्पून जैसे ऑनियन चॉप, थोड़ा कोरिएंडर चॉप, थोड़ा ग्रीन चिली चॉप, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, थोड़ा व्हाइट नमक, और 1/2 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट। इसको मैं मिक्स कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से मैं मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। मसाला मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। आप देखिए मैंने ये पूरी लिया है, ये पूरी को मैंने इस तरह से तोड़ देंगे, छोटे छोटे कर देंगे, इससे बहुत बढ़िया टेस्टी आएगा। देखिए इसमें मैं ढाल दिया, और इसमें ढालेंगे थोड़ा सा लेमन का रस, ये देखिए 1 लेमन मैं स्क्वीजर से निचल रहा हूँ। देखिए ये हो गया मेरी मसाला, अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, ये मसाला रेडी हो गया। आप नमक टेस्ट करके देखिए, कम है तो थोड़ा ढाल दीजिए। देखिए मैंने तो अपना नमक टेस्ट कर लिया, बराबर है। देखिए मैं जो पानी रखा था ना फ्रिज में, अपना फ्रिज में 2 घंटा ऐसा रखा था क्लीन लैब मार के। अगर आपके पास फ्रिज नहीं है तो आप इसमें
आइस क्यूब जरूर डाल दीजिए, और जितनी ठंडा होगा उतना आपको टेस्ट बहुत बढ़िया लगेगा। तो इसमें मैंने अभी थोड़ा लेमन ऐड कर देंगे, लेमन का रस, ये देखिए एक लेमन का रस। एक्चुअली क्या है, ये जो पानी है इनको खट्टा और थोड़ा तीखा होने चाहिए तो बहुत ही बढ़िया लगता है। ऐसा तो नाम सुनने से ही मुंह में पानी आ जाता है देखने से। अब मैं गार्निशिंग करने के लिए, देखिए इसमें थोड़ा धनिया चॉप डाल देंगे और एक टीस्पून जैसा बूंदी डाल देंगे। देखिए ये देखने के लिए बहुत बढ़िया लगता है। और अब मैं इसमें मसाला डालेंगे। देखो पूरी लिया है मैंने, इसमें इस तरह से थोड़ा थोड़ा मसाला डाल देंगे और स्पून से ये देखिए इस तरह से पानी ले लेंगे। और आप भी टेस्ट करके देखिए, इस तरह से आप मसाला ले लीजिए और ये पानी पूरी का पानी इसमें डाल दीजिए थोड़ा थोड़ा और टेस्ट कर लीजिए। हाँ, और मेरा रेसिपी आपको पसंद आया तो ज़रूर आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए।